नमस्कार दोस्तों, आप सभी को दीजिए स्टडी वॉल में स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम जानेंगे संस्कृत में और हिंदी में फूलों के नाम। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ इस न्यू चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक और कमेंट कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गुलाब, गुलाब को संस्कृत में पातलम कहते हैं। जासवंद, चित्रपुष्पी कहते हैं। मोगरा, मोगरा को संस्कृत में मल्लिका कहते हैं। कुमुदनी, कुमुदनी को हिंदी संस्कृत में युथिका कहते हैं। कमल, कमल को संस्कृत में उत्पलम कहते हैं। गेंदा फूल, गेंदा फूल को संस्कृत में स्थलपद्मम कहते हैं। चमेली, चमेली को संस्कृत में जाति पुष्पम कहते हैं। चंपा, चंपा को संस्कृत में चंपकम कहते हैं। सूर्यमुखी को दिवाकर कहते हैं। कंद पुष्प, कंद पुष्प को संस्कृत में कंद पुष्पम कहते हैं। गुलबहार, गुलबहार को भृंदराज कहते हैं। डहेलिया को डालिया पुष्पा कहते हैं। नरगिस, नरगिस को संस्कृत में नरगिस पुष्पं कहते हैं। नीलकमल, नीलकमल को संस्कृत में कृष्णा कमलम कहते हैं। गुलमोहर, गुलमोहर को संस्कृत में राज आवरण कहते हैं। कनेर, कनेर को कनोरंग कनोरह कहते हैं। धतुरा, धतुरा को संस्कृत में धतुर कहते हैं। अमलतास, अमलतास, अमलतास को संस्कृत में व्याधिघात कहते हैं। पलाश, पलाश को संस्कृत में किंशुक कहते हैं।